बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माशाल्लाह देख रहे हैं आप जोया गोट फार्म और प्योर मक्खी चीनी गोट किड, इसे कहते हैं जी क्वालिटी। माशाल्लाह मेल किड है और आपके सामने है दोस्तों। जो कहते हैं ना जी ब्रीडर, ऐसे बच्चे ब्रीडर बनते हैं जाके। माशाल्लाह अभी से क्वालिटी में 100% माशाल्लाह ए प्लस क्वालिटी किड, प्योर मक्खी चीनी ब्रीड। नकोड़ा देखें माशाल्लाह, कानों की लेंथ, हाइट, दुम देखें सीधी, माशाल्लाह क्या बात है दोस्तों। आप देख रहे हैं जोया गोट फार्म बावलपुर, और इस फार्म के जो ऑनर हैं वो यूसुफ़ जोया साहब हैं। माशाल्लाह क्वालिटी पे कोई कमरोबाज नहीं है दोस्तों। माशाल्लाह कहते हैं जी ब्लड लाइन, ये आपके सामने देखें जी माशाल्लाह, एक ओल्ड ब्लड लाइन का बच्चा है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ में है दोस्तों। मक्खी चीनी पाकिस्तान की एक कामयाब ब्रीड है जो पाकिस्तान के हर शहर में कामयाब है, दूध के लिहाज से भी और गोश्त के लिहाज से भी। माशाल्लाह 2020 का जो वर्ल्ड चैम्पियन बकरा था वो भी मक्खी चीना था, क्योंकि मक्खी चीने में वेट गेन करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। माशाल्लाह दोस्तों मक्खी चीनी गोट्स का जो आबाई इलाका है वो है बावल नगर, बावलपुर और मदरसा मंडी से भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों शौक वाले जानवर और मंडी वाले जानवर, इन में काफ़ी डिफरेंस होता है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये माशाल्लाह शौक वाला जानवर है। माशाल्लाह दोस्तों वीडियो देख के माशाल्लाह ज़रूर बोला करें दोस्तों। क्वालिटी पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है, बाकी बच्चा आपके सामने है माशाल्लाह अपने पूरे पॉइंट्स में, हाइट लेंथ दोस्तों माशाल्लाह। ये 100+ मक्खी चीनी गोट्स का फार्म है, और अगर आपको प्योर मक्खी चीनी ब्रीड चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह क्वालिटी बेमिसाल, दोस्तों अगर आप नए गोट फार्मर हैं तो गोट फार्मिंग मक्खी चीनी गोट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। क्वालिटी आपके सामने है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें दोस्तों। माशाल्लाह क्वालिटी पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये देखें जी, इसे कहते हैं जी प्योर मक्खी चीनी। वैसे तो आजकल मदरसा मंडी में भी आपको हर बंदा दिखाएगा जी मक्खी चीना मक्खी चीना, लेकिन मक्खी चीने में भी क्वालिटीज़ हैं। तो अगर गोट फार्मिंग आप करना चाहते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी से शुरू करें, अच्छे जानवरों से स्टार्ट करें। बेशक आप थोड़े जानवर ले लें लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले लें, जो कम से कम आने वाले टाइम में 6 महीने में साल में जो आपको एक फ़ायदा दें, वो अच्छे बच्चों की सूरत में अच्छा फ़ायदा मिले आप दोस्तों। गोट फार्मिंग में ब्रीडर की अहमियत बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारी और वीडियो में भी आपको बताया गया है कि अगर ब्रीडर आपके पास अच्छा होगा तो आप गोट फार्मिंग में कामयाब हैं। अगर ब्रीडर आपके पास छोटी लेंथ वाला होगा, छोटी हाइट वाला होगा, बिल्कुल ही एक जिसे कहते हैं सी क्लास का ब्रीडर होगा, बकरी बेशक आपके पास ए प्लस क्वालिटी की हो, लेकिन आने वाले जो बच्चे होंगे वो सी बी इतने ही होंगे, इस क्वालिटी के होंगे। तो अगर आपने ए प्लस क्वालिटी के बच्चे लेने हैं तो उसके लिए ब्रीडर का होना बहुत लाजमी है।
माशाल्लाह दोस्तों, ये पप्पू के बच्चे आ रहे हैं। पप्पू एक फेमस ब्रीडर है, माशाल्लाह हमारी पिछली वीडियो में दिखाया गया आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर लें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।